मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रही है, एयर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे सांस के मरीजों की तकलीफ़ें बढ़ते जा रही है। लेकिन सांस के मरीज या जिनको एस्थमा है, जिनको COPD है, उनका रूटीन काम करना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बाहर जाने से पहले उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा घर से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करके निकलें और ट्राई करें कि आप ऐसे टाइम पे अपना टाइम को शेड्यूल करने का जिस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली बेटर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हमेशा मास्क पहन के निकलना चाहिए और मास्क ट्राई करिए N95 मास्क पहनने का, जो कि 95% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर देता है। N95 मास्क के अंदर भी कई तरह के टाइप्स आते हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन से या पार्टिकुलेट मैटर से आपको बचाने में इफेक्टिव होता है वो N95 मास्क विद वॉल्व होता है, जो कि आपको ब्रीद आउट करने में रिलेटिवली ईजियर होता है कम्पेयर टू द मास्क विच हैज़ नो वॉल्व्स। जो मास्क विद वॉल्व है उसको पहन के लोगों का कंप्लायंस रेट भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि अगर विदाउट वॉल्व वाला मास्क यूज़ करते हैं तो मास्क पहन के ही सांस घुटने की परेशानी शुरू होती है, फिर लोग बार बार मास्क को उतारते हैं, तो इससे आपकी प्रोटेक्शन काफ़ी कम होती है। इसीलिए अगर आप वॉल्व वाला मास्क यूज़ करते हैं और लगातार पहन के रखते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, मास्क को बहुत सही तरीके से पहनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क को पहनते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा नोज़ पिन लगा होता है, हमेशा ट्राई करिए कि नोज़ पिन को अच्छे से फिक्स करें, मास्क को पीछे से प्रॉपर तरीके से सिक्योर करें, क्योंकि अगर आपने मास्क में सांस लेने के लिए जगह ज़्यादा खुली छोड़ दी है तो वहाँ से पार्टिकुलेट मैटर या पॉल्यूशन अंदर घुसेगा और मास्क पहनने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मास्क को ठीक तरह से पहनना बहुत ज़रूरी है। एक तीसरा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मास्क आपको पार्टिकुलेट मैटर से बचाता है, पर जो इनविजिबल गैसेज होती है जो कि पॉल्यूशन में होती है, खासतौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका ना कोई टेस्ट होता है, ना ऑडर होता है, ना स्मेल होती है, ना दिखता है, ये गैस आपके सांस के लिए बहुत डेंजरस होती है। तो इसीलिए आपको ऐसे एरिया में जाने से बचना चाहिए जहाँ पर मोटर व्हीकल पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल पॉल्यूशन ऐसी टॉक्सिक गैसेज रिलीज़ करता है जो N95 मास्क भी फिल्टर नहीं कर सकते। मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनिए और पॉल्यूशन जब ज़्यादा हो तब बाहर निकलने से बचिए, अपने लंग्स का ध्यान रखिए। थैंक यू।